नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आप सदन में जो एक और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, वह गरीब परिवारों के लिए बुरी खबर है। राशन कार्ड कट करने का काम कर दिया गया है। देखो किस किस के भाई जो है का राशन कार्ड जो है डिलीट हो चुके हैं और किस प्रकार से जो है इन्होंने बताया वह ठीक होंगे। परिवार पहचान पत्र में से भी जो है नाम कटने का काम हो चुका है। आप साथी ने दिखा दिया सारे इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, डिपो से राशन नहीं मिलने पर लोगों को पता चला समस्या, वह उनका जो है राशन कार्ड कट चुका है। अब CSC सेंटरों से जो है रिन्यू करवाना होगा PPPP। भाई ये जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसके राशन कार्ड कट चुके हैं और जैसे वो जो है राशन डिपो के ऊपर पहुंचते हैं तो उनको राशन डिपो वाला जो कह देता है कि आपका जो है राशन नहीं आया, तो उसके बाद में जो हो CSC सेंटर के पास में पहुंचते हैं कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा। तो ये देख लीजिए, इन्होंने जो है साफ साफ लिख दिया कि दस्तावेज स्वयं सत्यापित नहीं होने से 1552 PPPP कट चुके हैं। यानी कि आपको स्टार्टिंग के अंदर जब परिवार पहचान पत्र बनाए गए थे तो उस टाइम से अब तक आपको अपना परिवार पहचान पत्र जो है ओपन नहीं किया है और ना ही ओपन करने के बाद में उसके ऊपर जो है सिग्नेचर करे हैं। सिग्नेचर होने के बाद में ही जो उसको दोबारा से आपको अपलोड करना होता है, तो ये काम नहीं होने की वजह से जो आपके राशन कार्ड कट चुके। बस जिस परिवार के साथ में ऐसा काम होया है जिसने आज तक अपना परिवार पहचान पत्र नहीं संभाला है, तो उनको जो अपने नज़दीकी CSC सेंटर के पास में जाना है और उसको दोबारा से जो भाई रिकवर यानी कि होने होगा आपका PPPP, उसको दोबारा से यानी कि डॉक्यूमेंट उसके अंदर अपलोड करके उसको सत्यापित करवा लेना है। तो दस्तावेज सत्यापन करवाएं, इस प्रकार से इन्होंने जो है साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है भाई। इस प्रकार से उन लोगों को परिवार पहचान पत्र ID डिलीट हुई है जिन्होंने अपने PPPP साइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई, और लोग दोबारा ID जनरेट करवाने के लिए CSC सेंटर पर जाकर साइन वेरिफिकेशन करवाएं। यानी कि जैसे परिवार पहचान पत्र आपका प्रिंट आउट आएगा बाहर, उसके ऊपर सिग्नेचर करके दोबारा से अपलोड करवा देना है, तो इस प्रकार से आपका जो है दोबारा से राशन कार्ड जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये है परिवार पहचान पत्र जो है बंद होने के कारण। तो इसके अंदर कारण बता दिए भाई कि कई लोग जो है भाई नब में का जो है कमरा नंबर 10 में पहुंच रहे हैं, नब में बैठे PPPP के शहरी क्लस्टर के कर्मियों द्वारा लोगों को CSC पर जाकर दोबारा ID जनरेट करवाने को कहा गया है और कहा कि ID डिलीट होने का कारण लोगों को बताया जा रहा है कि या उनकी ID जो है टेम्परेरी बनी हुई थी, उनकी जो है साइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो इस प्रकार से जो है ये रीज़न चल रहे थे। मैं इन परिवारों को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे ज़िले में 1.86 लाख जो राशन कार्ड हैं वो यानी कि मार्च में गुलाबी 17155 और BPL 1.68 लाख और जो कुल यानी कि 1.86 लाख कार्ड जो है वह बन चुके थे, जबकि अप्रैल माह में गुलाबी कार्ड जो है 16000 हो चुके हैं, यानी कि 1000 जो है लगभग संख्या इनकी घट चुकी है। BPL की भी संख्या घट चुकी है, 1.66 लाख रह गए, और इस महीने 1552 लोगों का और जो है राशन बंद करने का काम कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना जो है राशन कार्ड को जल्द से जल्द जो है एक्टिवेट करवा लेना है और परिवार पहचान पत्र के ऊपर सिग्नेचर करके दोबारा से अपलोड करवा देना है, और जिस परिवार की इनकम बढ़ चुकी है उनकी दोबारा से जो है वेरीफिकेशन की जाने लग रही है। जैसे वेरीफिकेशन कम्प्लीट होगी, अगर आप वाक्य में आपकी इनकम कम होगी तो आपका दोबारा से जो है राशन कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो आप सदन यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप सदन वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।